Enemy down. Enemy down. हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। मजा आया। स्वागत है गाइस एक और निकमल की वीडियो में। और देखो आप लोग, मेरे को पता है आप इसलिए वीडियो देख रहे हो, आपको नॉन जीरो सेंसिटिविटी बनानी है, तो आप खुद की भी बना सकते हो और आप, मैं ये सेंसिटिविटी जो दे रहा हूँ इसको ट्राई कर सकते हो और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप अपनी खुद की काफ़ी इजीली सेंसिटिविटी, बहुत मस्त सेंसिटिविटी आपकी बन जाएगी। बेसिकली सेंसिटिविटी में, बेसिक सेंसिटिविटी आप देख सकते हो मेरी, और बेसिक सेंसिटिविटी का मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जो आप काफ़ी इजीली समझ पाओगे बेसिक सेंसिटिविटी कुछ कैसे काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी सेंसिटिविटी यहाँ पर मीडियम पर रहती है। और देखो सेंसिटिविटी में तीन टाइप के, लो, मीडियम एंड हाई। तो बाय डिफॉल्ट आपकी मीडियम पे ही होंगी, मैं श्योर 100% आपकी मीडियम पे होंगे। तो देखो अब लो किसको यूज़ करनी चाहिए और हाई किसको यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले लो इन लोगों की यूज़ करनी चाहिए, जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी स्कोप मूव होता है वो पसंद ना हो, उन लोगों के लिए लो है। और जिन लोगों को पसंद है कि जल्दी से स्कोप मूव करवाऊँ और जल्दी से मतलब दूसरे बंदे पे भी एम ले पाऊँ, उन लोगों के लिए हाई सेंसिटिविटी मैं रिकमेंड करूँगा। और पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हाई सेंसिटिविटी यूज़ कीजिए, इससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी टारगेट मतलब मूव कर पाओगे और काफ़ी जल्दी बंदे गिरा पाओगे। तो कंसिडर एज अ हाई सेंसिटिविटी। और हाई सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। और देखो सेंसिटिविटी में तीन टाइप की सेंसिटिविटी है, कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लोकली सेंसिटिविटी, कैमरा सेंसिटिविटी एंड एडीएस सेंसिटिविटी। नॉन जायरो के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है, और जो जायरो प्लेयर है उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो वीडियो और काफ़ी जल्दी अपना सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो यहाँ पर ADS एंड कैमरा सेंसिटिविटी और फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी। तो फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी का वैसे कुछ काम इतना ज़्यादा है नहीं, आप ना ही जानो तो बढ़िया है उसके बारे में, क्योंकि उसके जानने में कुछ फ़ायदा है नहीं। उसमें पैराशूटिंग एंड मूविंग जो मतलब व्हीकल की सेंसिटिविटी वो आती है। तो बाद में देखो हमारी है कैमरा सेंसिटिविटी। तो कैमरा सेंसिटिविटी में आपको काफ़ी सारी सेंसिटिविटी देखने को मिल जाएंगी, नोस्कोप पर लेके 8x तक सारी सेंसिटिविटी देखने को मिल जाएंगी आपको। तो नोस्कोप से आप 120 रखेंगे तो उसको कुछ ज़्यादा खेल करने की जरूरत नहीं है। नोस्कोप ज़्यादातर बंदे यूज़ नहीं करते, सिर्फ AKM आयरन साइट यूज़ करते हैं, तो रिकमेंडेड 120 बेस्ट है काफ़ी इजीली। तो यहाँ पर देखो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रेड डॉट। तो रेड डॉट यहाँ पर 55 से लगे 50 या 55, इन दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना यहाँ पर, जिससे आपका रेड डॉट का स्प्रे काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। बाद में रहती है 2x की बात, तो 2x ज़्यादा बंदे यूज़ नहीं करते, तो उसको मैं बाई डिफॉल्ट 36 है तो 36 ही रहने दूंगा। आप में बाई डिफॉल्ट जो भी है उसको वैसा ही रहने देना, फॉर एग्जांपल आप में 32 है 30 है तो वैसा का वैसा रहने देना, क्योंकि डिवाइस के हिसाब से सेंसिटिविटी बदलता रहता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। बाद में बात रही 3x की, तो 3x की हम कर देंगे यहाँ पर 33 कर देंगे ADS सेंसिटिविटी, और कैमरा सेंसिटिविटी करीबन 21 रखेंगे। तो आप 22 या 21 इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। तो आपको 22 ज़्यादा आपको मतलब कैमरा जल्दी जल्दी मूव करने की आदत है, तो कैमरा सेंसिटिविटी थोड़ा हाई कर सकते हो। बाकी ADS से आपका रिकॉल जो थंब से रिकॉल कंट्रोल करते हो तो सारा उसमें काम आने वाला है। तो कंसीडरिंग में भाई मैंने देखो नॉन जीरो के लिए सेंसिटिविटी पूरा मतलब तैयार किया, तो आप ये पूरा सेंसिटिविटी देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा सेंसिटिविटी अब तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, और शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पर रख दो। अब बात रही देखो भाई लोग, तो सेंसिटिविटी का देखो इसको आप एज ए बेस यूज़ करना,
तो आप बाद में इसको मॉडिफाई कर करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप अपना थोड़ा खुद का सेंसिटिव बना लेना। अगर आपको जानना है कि आपकी खुद की सेंसिटिव कैसे बनती है और विद इन प्रैक्टिकल वो जानना है तो आई बटन पे सारे लिंक मिल जाएंगे, इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। आपको अपना सेंसिटिव खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हो, एज ए बेस आप इसको सेंसिटिव यूज़ कर सकते हो, बाद में अपना सेंसिटिव आपको खुद ही बिल्ड करना है जिससे आप उसको और अच्छा कर पाए, क्योंकि आपका सेंसिटिव खुद का ही है और आपका खुद का पर्सनल डिवाइस होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना उसमें मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव बना पाएंगे। देखो मैं तो आपको थोड़ा बता दूंगा, बट आप अपना डिवाइस है तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।